उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ रही हैं। पार्टी के नेता, पार्टी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि 40 साल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर में चोरी हो रही है। पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मोदी जी को अभी दखल देना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की जमीन तैयार की जा रही है? मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको पंतनगर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए इन औरतों की रुदाई। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने, हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार हिंदू की सरकार बन रही है। आप ऐसे नहीं बताते, हिंदुओं के ऊपर कह उठा देंगे ये। पूरा मेरा परिवार है, अब वो परिवार कहाँ चला गया? जी हाँ, लखनऊ के कई जगहों पर घरों को चिन्हित किया जा रहा है और बुलडोजर से घर हटाए जा रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब ये बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चल रहा था, कानून को ताक में रखकर मुसलमानों के घरों पर चल रहा था, तो आपने और हम में से कई लोगों ने इस पर तालियां बजाई। आज ये बुलडोजर कई और लोगों के घरों पर चल रहा है। लोग बिलख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास जमीन की रजिस्ट्री है मगर शासन उनकी बात नहीं सुन रहा। याद कीजिएगा दोस्तों, अयोध्या में क्या हुआ था? रामपद बनाने के लिए कई लोगों को बेघर कर दिया गया था और फिर हमने फैजाबाद लोकसभा चुनावों में उसके परिणाम भी देखे। अब बुलडोजर का अहंकार पंतनगर में भी चल रहा है। अकबर नगर, अबरार नगर के बाद अब बारी पंतनगर की है और राज्य की जनता यह देख रही है। और यही नहीं, पार्टी में पूर्व मंत्री अब यह कह रहे हैं कि 40 साल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार आज तक नहीं देखा। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है मोती सिंह, योगी पार्ट वन में ये पूर्व मंत्री थे। सुनिए ये राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर दरअसल क्या कह रहे हैं। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। और राज्य के मुद्दों को उठाने वाले अखिलेश यादव ने इसे भी मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं भाजपा राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर भाजपा के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कुछ और सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। जी हां दोस्तों, बुलडोजर, वो बुलडोजर जिस पर चढ़कर भाजपा सियासत कर रही थी, आज वही बुलडोजर आम लोगों पर चल रहा है और अब ये बुलडोजर साबित कर रहा है कि वो कितना धर्मनिरपेक्ष है। मुसलमानों के घरों पर चला मगर जब उस बुलडोजर पर मीडिया ने सवाल नहीं किए, भाजपा को कटघरे में नहीं रखा, तो अब पंतनगर में भी ये बुलडोजर चल रहा है। इस खबर पर मैं कुछ देर बाद चर्चा करूंगा मगर मिलिए ये हैं जौनपुर के विधायक। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए तो पार्टी का हारना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। याद कीजिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की जमीन तैयार की जा रही है और इनके इस बयान का किसी ने भी जो है काउंटर नहीं किया था भाजपा में से। अब इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनावों में, तब योगी खेमा के जो तेवर थे वो बगावती हो गए थे,
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास का जो खेमा था वो इसका सारा दोष, इसका सारा ठीकरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर फोड़ना चाहता था, मगर फिर बगावती तेवर सामने उभर कर आए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जुड़े लोग ये कहने लगे कि अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर यूपी में चुनाव लड़ा जा सकता है, आप किस हैसियत से सारा ठीकरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर फोड़ना चाहते हैं। याद कीजिएगा पार्टी का वो कार्यकर्ता उज्ज्वल मिश्रा का बयान वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था कि बनारस में प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते, ये तो लाइट गई, रहस्यमय तरीके से तस्वीर बदली और प्रधानमंत्री जीत गए। प्रधानमंत्री बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते थे, जबकि कई लोग कह रहे थे कि उनका 7 लाख वोटों से जीतना तय। और ये ना भूलें काफी देर तक वो अजय राय से पीछे भी चल रहे थे और ये हालत कहीं और की नहीं बनारस की है। अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट में भाजपा हार चुकी थी और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि धन्ना सेठ तो अयोध्या में मलाई काट रहे थे मगर आम इंसान की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। जी हां, याद कीजिए खबर मैंने आपके सामने की थी कि जब राम मंदिर को लेकर फैसला आता है तो उसके बाद क्या होता है, राम मंदिर का फैसला आने के बाद उसकी आसपास की जमीनें भाजपा से जुड़े लोग खरीदने लगते हैं। अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बेटे बच्चे जमीन खरीदते हैं, कई नौकरशाह जो बीजेपी से जुड़े होते हैं वो अयोध्या में जमीन खरीदते हैं, अडानी ग्रुप जमीन खरीदता है बेचता है, लोढ़ा ग्रुप जमीन खरीदता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे जो इस वक्त कैसरगंज से सांसद हैं वो भी जमीन खरीदते हैं, मगर आम इंसान उसकी हालत बद से बदतर है दोस्तों। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहूंगा अयोध्या में पिछले 7 सालों से सर्कल रेट नहीं बढ़ा और दूसरी तरफ अयोध्या में बुलडोजर चला, लोगों के घर तोड़े गए राम पथ के लिए। जनता इस फर्क को देख रही है और जनता ये फर्क लखनऊ में भी देख रही है, क्योंकि लखनऊ में क्या हो रहा है दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देखिए घरों को किस तरह से चिन्हित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इन पर बुलडोजर चलेगा। जी हां दोस्तों, अकबर नगर, अबरार नगर, रहीम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, समाचार एजेंसी के मुताबिक कम से कम 2000 घरों पर बुलडोजर चलेगा। समाचार एजेंसी ये भी दावा कर रही हैं कि कम से कम 20,000 लोग बेघर हो सकते हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों और इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चलता था तो आप में और हम में से कई लोग तालियां बजाते थे। हमारे अंदर जो भूख है बुलडोजर रूपी हिंसा को लेकर, उसको लेकर हम लगातार तालियां बजा रहे थे, मगर आज इस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इनमें से लोग कह रहे हैं हमारे पास जमीन को लेकर रजिस्ट्री है, फिर आखिर क्यों हमारे घरों पर इस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ जी, बुलडोजर सही मायने में धर्मनिरपेक्ष हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान नहीं, वो हिंदुओं के घर पर भी चल रहा है। क्योंकि जब मुसलमानों के घरों पर कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर चल रहा था तब मीडिया ने कभी इस पर सवाल नहीं किया, उल्टा बुलडोजर पर सवार होके कई पापा की परियां भाजपा के लिए राजनीति कर रही थी, मीडिया के गुल्लू और कालू उसका जय जयकार कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे भाजपा की उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा था। आज वो बुलडोजर आम जनता की जान का दुश्मन, जान का आफत बना हुआ है दोस्तों। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है जब सरकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर का इस्तेमाल करती है तो मीडिया को उस पर सवाल करना चाहिए, मगर मीडिया ने उस पर कभी सवाल नहीं किया। आज इसी तरह से हिंदू भी इसका शिकार हो रहे हैं, बेकसूर भी इसका शिकार हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि हमने सवाल करना बंद कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह है सुधांशु त्रिवेदी। अक्सर आपने इन्हें डिबेट्स में देखा होगा विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के घर में चोरी हो गई है और वो भी लखनऊ में? क्योंकि भाजपा भयमुक्त समाज की बात कर रही थी, भाजपा यह भी कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, मगर आपके सामने सुधांशु त्रिवेदी के घर पर चोरी हो रही है। आपकी स्क्रीन पर यह है मंत्री सूर्य प्रताप शाही पत्रकारों के सामने खुलकर महंगाई पर मजाक उड़ा रहे हैं। जी हां, खबर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। 4PM YouTube चैनल के संपादक संजय शर्मा की खबर है, वो कह रहे हैं ये हैं यूपी के काबिल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही।
मंत्री जी के पास जानकारी है कि कोई भी दाल 100 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर नहीं आती। पत्रकारों ने जब बताया कि इस कीमत पर कोई दाल नहीं आती तो मंत्री जी हंसने लगे। अब आपको समझ आ जाएगा कि ये मंत्री लोकसभा के चुनावों में अपनी विधानसभा से भी भाजपा को जीत नहीं दिला पाए। यूपी में ऐसे काबिल मंत्रियों की भरमार है जिनको जनता से या जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। सुनिए महंगाई के मुद्दे पर किस तरह से खिलखिलाकर हंस रहे हैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि मंत्री हैं। देखते हैं। यह गलत सूचना आप दे रहे हैं, 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। यानी कि लोगों के मुद्दों से दूर होते जाना और यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बुलडोजर चल रहा है। लोग कह रहे हैं हमारे पास जमीन को लेकर रजिस्ट्री है मगर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। यही हमने अयोध्या में देखा और फिर चुनावी परिणाम देखे। मंत्री कह रहे हैं कि भाजपा का हारना तय है। नेता कह रहे हैं कि इस वक्त जो हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं वो 40 साल में आज तक नहीं हुआ, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ये तमाम समस्याएं हैं मगर भाजपा अहंकार में डूबी हुई है। भाजपा कार्रवाई करेगी मगर हर गुजरते दिन के साथ वो जो भी कार्रवाई करेगी वो उस पर बैकफायर करने वाला है यूपी के अंदर। और इंतजार कीजिए, अभी 3 महीनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। अगर भाजपा यहां हार का सामना करनी पड़ती है तो एक ऐसी राजनीतिक आंधी आएगी जिसका सामना करना भाजपा के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।